Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapter number 3, integration. और उसकी exercise हम solve कर रहे हैं 3.1 और 3.1 का ये part number 2 है. इसमें हम question number 2 से start करेंगे. पिछले lecture में हमने question number 1 को देखा, ठीक है? तो अब हम question number 2 पर आते हैं. Question number 2 क्या है? Question number 2 है using differentials. Find dy by dx and dx by dy in the following equations. अच्छा हमने हमें जो है equations given है, ठीक है? तो चार पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट में एक एक इक्वेशन गिवन है. उसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए, ठीक है? तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4. अब इसमें किस तरह से हम फाइंड करेंगे डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए? डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? डिफरेंशियल्स हमने बहुत डिटेल स्टडी किया है उसका, ठीक है? पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल्स को देखा. dy क्या चीज़ है? dy है डिफरेंशियल ऑफ y. dx क्या चीज़ है? डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक है? तो डेरिवेटिव और यानी कि d ओवर dx ऑफ x में क्या फ़र्क और d ऑफ x में क्या फ़र्क है? d ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को आप डिनोट करते हैं d से, ठीक है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल. और डिफरेंशियल ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? डी एक्स के इक्वल, ठीक है? तो बाकी उसी तरह से वही रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, कोशेंट रूल, उसी तरह से जिस तरह से डेरिवेटिव्स हैं उसी तरह से अप्लाई होते हैं. लेकिन थोड़ा सा ये मैंने डिफरेंस यहाँ पर क्लियर किया आपको. तो डिफरेंशियल्स अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को पहले, ठीक है? तो हमने लेफ्ट साइड पे पहले डिफरेंशियल अप्लाई करना है. डिफरेंशियल को नोट करते हैं हम डी से, डी ऑफ लेफ्ट साइड यानी कि एक्स वाई प्लस एक्स. इसी तरह से डिफरेंशियल ऑफ राइट साइड यानी कि डी ऑफ 4. तो डी ऑफ जिस तरह से हम दो फंक्शंस गिवन हो और प्रोडक्ट यानी कि सम या डिफरेंस हो फंक्शंस के दरमियान, ठीक है, तो हम अलग-अलग डेरिवेटिव्स नहीं ले लेते, उसी तरह से हमने डिफरेंशियल्स भी लेने हैं, ठीक है? तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा differential of xy plus differential of x is equal to differential of 4. जिस तरह से derivative जो है constant का वो 0 होता है, उसी तरह से differential भी 0 होता है constant का. तो यानी कि differential of 4 क्या होगा? 0 हो गया. अब उसके बाद x और y दो variables हैं, आपस में multiply हो रहे हैं, तो इस पर अगर हम derivative इसका find करना चाहें तो product rule लगेगा. तो इसी तरह से differentials find करते हुए भी इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है? पहला फंक्शन उसी तरह से एक्स और साथ में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशियल यानी कि डी वाई प्लस पहला दूसरा फंक्शन आप उसी तरह से और पहला फंक्शन का डिफरेंशियल यानी कि एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, ठीक है? सेम प्रोडक्ट रूल लगा ना. अब उसके बाद क्या है? प्लस और डिफरेंशियल ऑफ एक्स. आपको पहले मैंने बताया डिफरेंशियल ऑफ एक्स इक्वल होता है डी एक्स के, इज इक्वल टू आ गया 0 के. अब हमने फाइंड क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स. पहले तो हम डी वाई ओवर डी एक्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है? डी एक्स वाली टर्म्स को अलग करते हैं, डी वाई वाली टर्म्स को अलग करते हैं. तो ये है डी वाई वाली टर्म, इसको हम इधर रहने देते हैं. एक्स डी वाई बन जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों डी एक्स वाली टर्म्स हैं, इसको राइट साइड पर ले जाते हैं. तो ये बन गया माइनस वाई डी एक्स माइनस डी एक्स. दोनों यहाँ पर सम थी ना, राइट साइड पे जाकर यानी कि पॉजिटिव थी तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो गई. तो ये बन गया एक्स डी वाई. अब इसमें से माइनस डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया. तो बाकी हमारे पास क्या टर्म्स बचेंगी? वाई प्लस 1, ठीक है? तो हमने फाइंड क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स. अब यहाँ पर ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसको हम राइट साइड पे जाके डिवाइड कर सकते हैं. मतलब कि ये बन जाएगा माइनस
y plus 1 divided by x into dx is equal to क्या हो गया dy। अब dx को हम आसानी से हम ले जा सकते हैं लेफ्ट साइड पे और ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा dy over dx। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था जो कि इक्वल आ चुका है माइनस ऑफ वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स के। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया डी वाई और डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स तो आ चुका, अब हमने फाइंड डी एक्स बाई डी वाई भी करना है। वो किस तरह से करेंगे, अगर इसी इक्वेशन को मैं लेकर चलूँ यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है, इसी इक्वेशन को अगर मैं लेकर चलूँ तो ये बनेगा एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स। तो यहाँ से हम डी एक्स बाई डी वाई बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस टर्म को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, मतलब कि ये बनेगा एक्स ओवर वाई प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, उसके अलावा बल्कि यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, इस नेगेटिव साइन को भी यहाँ हम लेके जाते हैं माइनस, ये बन गया एक्स ओवर वाई प्लस वन इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो डी वाई को अब हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो यहाँ पर राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया डी एक्स बाई डी वाई जो कि इक्वल आ चुका है माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वन के। तो यहाँ से हम ये फाइंड कर चुके हैं डी एक्स ओवर डी वाई भी और डी वाई ओवर डी एक्स भी। इसका एक बहुत आसान तरीका था जो कि हम इससे भी फाइंड कर सकते थे डी एक्स बाई डी वाई, अगर इसको हम उल्टा कर दें, ठीक है, यानी कि डी एक्स को ऊपर ले जाएं डी वाई को नीचे ले आएँ। इसी तरह से राइट साइड को भी उल्टा करना पड़ेगा यानी कि एक्स ओवर वाई प्लस वन और साथ में माइनस, तो ये वही चीज़ नहीं आ गई डी एक्स बाई डी वाई, सेम रिजल्ट है ना। मैंने ये किस लिए कराया, मैंने इसलिए कराया क्योंकि अगर आपको डी वाई और डी एक्स फाइंड करने के लिए ना कहा हो तब आप इस तरह से फाइंड करेंगे, इसी इक्वेशन से आगे लेकर ये प्रोसीजर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर लेंगे डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट नंबर 1 मैंने आपके सामने सॉल्व किया, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके उसके साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, हमें कहा गया है यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ इसमें भी 4 पार्ट्स हैं जिसमें से एक दो पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ, पहला पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए, चलें फाइंड करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, क्या वैल्यू आती है इसकी। सपोज़ फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि सपोज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स पावर, यानी कि मैं अभी 17 नहीं लिख रहा, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिख रहा, तो पावर 1/4 है तो इसकी मैं पावर 1/4 कर देता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, एक्स पावर 1/4 के। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें हम एक्स में चेंज लाते हैं, मतलब कि डेल्टा एक्स की चेंज लाते हैं, तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4, ये बनेगा ना, एक्स में चेंज आया। ठीक है, और डेल्टा एक्स आपको पता है किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल होता है, तो हम डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्स प्लस डी एक्स की पावर 1/4 किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल। अच्छा, अब हमने ये करना है कि 17
कि पावर 1/4 अगर हम इस तरह से फाइंड करें तो वो तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं ना, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि 17 के करीब करीब कोई परफेक्ट फोर्थ रूट बनता हो तो वो हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, वो सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 17 के करीब करीब हो, ठीक है, नियरेस्ट टू 17 हो और परफेक्ट फोर्थ रूट भी हो। जी हाँ, बिल्कुल 16 ऐसा नंबर है। ठीक है, जिन जिन्होंने जवाब दिया 16, वो बिल्कुल ठीक है। 16 ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट 1/4 रूट है, या परफेक्ट फोर्थ रूट है। तो 16 को एक्स लेने का फ़ायदा क्या होगा? हमारा क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल यूज़ करते हुए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे कि एक्स की जगह अगर मैं 16 रखूं, अगर एक्स जो है इज इक्वल टू क्या है 16, ठीक है, ये भी हम लेट कर लेते हैं, या वी टेक एक्स इज इक्वल टू 16 एंड एक्स में चेंज, यानी कि क्या चेंज लाएं, तो हमारे पास एग्जैक्ट वही बन जाएगा जो हमने फाइंड करना है, 17 है ना। तो 16 + 1 इज इक्वल टू 17 होता है। तो फिर हम उसको डी एक्स जो है या डेल्टा एक्स जो है उसको रख लेंगे इज इक्वल टू 1 के। तो 16 + 1 एक्स प्लस डी एक्स जो है वो हमारा यानी कि बन रही है एक्सप्रेशन जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स की जगह हमने 16 ले लिया और डी एक्स हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है इसके बाद? सबसे पहले तो अगर हमने एक्स जो है 16 लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि एफ ऑफ 16 क्या है। एफ ऑफ 16 किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स से फाइंड हो जाएगा ये। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल है, हमने लिया था एक्स पावर 1/4, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स पावर 1/4। तो यहाँ पर अब एक्स की जगह 16 पुट किया है तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फोर्थ रूट किसका बनता है ये? तो 16 के 1/4 पावर लें तो ये 2 के इक्वल आता है। एफ ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 आ गया। उसके अलावा हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से डेरिवेटिव लें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1/4 एक्स पावर -3/4, ये आ गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब एक्स हमें पता है कि 16 है, तो यहाँ से हम एफ प्राइम ऑफ 16 भी फाइंड कर लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह 16 पुट करें तो, चलिए पुट करके देखते हैं, 16 पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 16 की पावर 1/4 और उसकी होल पावर -3 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं फिर -1/4 और ये 16 पावर 1/4 2 होता है, उसकी पावर -3, तो ये नीचे चला जाएगा, 1/4 इंटू 1/8 बन जाएगा, यानी कि 1/32 आ गई वैल्यू किसकी, एफ प्राइम ऑफ 16 की। ये चीज़ें हमें चाहिए आगे, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ 16 हमें चाहिए, एफ ऑफ 16 हमें चाहिए, तब मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने पहले एक स्टेटमेंट देखी थी पिछले लेक्चर में, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक स्टेटमेंट देखी थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो तकरीबन तकरीबन इक्वल है, या कॉन्ग्रूएंट उसे कहेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के। ठीक है, तो डी वाई आपको पता है किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स तो चलेगा उसी तरह से आ जाएगा। डी वाई हमने इस चैप्टर के शुरू में देखा था एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स या डी एक्स आप कह लें। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जगह हमने क्या वैल्यू ली थी, 16 ली थी, और ये डेल्टा एक्स की जगह हमने क्या ली थी, 17। एफ ऑफ 16 + 1 इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स हमने लिया था यानी कि 16, एफ ऑफ 16, एफ ऑफ 16, ठीक है, प्लस एफ प्राइम ऑफ 16 इंटू डी एक्स।
एफ ऑफ 16 क्या है, हमने पहले से फाइंड किया था, इसलिए मैंने फाइंड किया था, ठीक है। या पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता, उसके बाद मैं आपको बताता कि हमें ये चीज़ें चाहिए, फिर हम फाइंड करते हैं उसकी वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ 16 क्या है, 2 है। एफ प्राइम ऑफ 16 क्या है, एफ प्राइम ऑफ 16 वन बाई 32 प्लस 1/32 इंटू डी एक्स, हमने क्या लिया, डी एक्स की जगह ये डेल्टा एक्स है, यानी कि 1 पुट किया। तो इसको आप सॉल्व करें तो एफ ऑफ 17 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0. इसको अगर सॉल्व करें तो बल्कि 2.03125। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन की वैल्यू आई है, मतलब के इसकी वैल्यू आई है, इज इक्वल टू किसके आ गया, जिसकी वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट करनी थी, हमें कहा गया था फाइंड करने को। तो इस तरह से हमने डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए ये फाइंड किया। तो यहाँ पर अभी जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी कि उसके वॉल्यूम में हमने एक क्यूब है जिसके वॉल्यूम में हमने इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज फाइंड करना है। कब, इफ दी लेंथ ऑफ इट्स ईच एज चेंजेस फ्रॉम फाइव टू 5.02, मतलब कि हर एक एज जो है एक क्यूब का वो इंक्रीज कर गया है 5.02 में, ठीक है। पहले 5 था, उसके बाद 5.02 हो गया, उसके बाद जब ये हर एक एज इंक्रीज हुआ है तो फिर उसके वॉल्यूम में, टोटल वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वो हमने फाइंड करना है, वो भी डिफरेंशियल से हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि सपोज जो है हमारे पास एक्स साइड है, ठीक है, यानी कि जो क्यूब की साइड जो है उसको हम एक्स से सपोज कर लेते हैं, वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम को भी हम सपोज कर लेते हैं किसी नाम से लिख लेते हैं, ठीक है। तो वी कह लेते हैं, वी बी द वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। अच्छा, एक्स जो है वो साइड हो गया, वी वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम क्यूब का किसके इक्वल होता है, क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होता है एक्स क्यूब के, ठीक है। और फिर उसमें अगर चेंज हमने फाइंड करनी हो तो किस तरह से डिफरेंशियल से फाइंड करेंगे, तो दोनों साइड पे हम डिफरेंशियल ले लेते हैं, डी वी इज इक्वल टू 3x² डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो ये डी वी इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स तो हमें पता है कि साइड है, और साइड की वैल्यू क्या है, पहले 5 है, ठीक है। तो चले हम एक्स इज इक्वल टू लिख देते हैं, एक्स क्या है, एक्स इक्वल है जी 5 के, लेकिन यहाँ पे हमें डी एक्स भी चाहिए, ठीक है। तो डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी एक्स हमें ये भी गिवन है कि एक्स कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 5 से 5.02 में चेंज हो रहा है, तो डी एक्स हम इसके डिफरेंस को ले लेंगे, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू 5.02 - 5, यानी कि 0.02 आ जाएगा डी एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करें और चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, यानी कि डी वी, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ वी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये हम फाइंड कर सकते हैं जो कि इक्वल है 3x² इंटू डी एक्स के, तो 3 × x², एक्स हमें पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू है 0.02। इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास रिजल्ट में आएगा 1.50 इज इक्वल टू डी वी,
रिजल्ट आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक क्यूब है, मतलब सपोज ये एक क्यूब है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अगर सही से बन जाए तो। सपोज ये क्यूब है, ठीक है, तो इसकी हर एक एज में हमने 5.0, पहले इसकी जो है ना साइड्स जो हैं वो एक्स हमने सपोज किया, और वो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू 5 हमने लिया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हर एक एज जो है उसमें हमने इंक्रीज करना है, यानी कि सपोज ये इस तरह से इंक्रीज हो गया 5.02 में, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, ये इस तरह से ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हर एक एज जो है 5.02 पे चला जाएगा 5 से, यानी कि 0.02 का चेंज आ जाएगा उसमें। तो उसकी वजह से फिर वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, कितना इंक्रीज होगा वॉल्यूम, वो है 1.50 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी एंड होती है।